नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। इजराइल की सर्विलांस कंपनी एनएसओ ग्रुप का स्पाईवेयर पेगासस एक बार फिर से चर्चा में है। फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दावा किया है कि दुनिया भर की 10 सरकारें अपने लोगों की जासूसी करा रही हैं। इस पड़ताल को पेगासस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। रडार पर 1571 लोग थे, लेकिन अभी साफ नहीं है कि सबकी जासूसी हुई। लिस्ट में 40 नाम भारतीय पत्रकारों के भी शामिल हैं। भारत सरकार ने आरोपों से फिलहाल साफ तौर पर इनकार कर दिया है। ये पहली बार नहीं है जब इजरायली स्पाईवेयर पेगासस पर नेताओं पत्रकारों की जासूसी का आरोप लगा है। वहीं अब इस मुद्दे ने राजनीतिक मोड़ ले लिया है। लगातार पार्टियां एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रही हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस लगातार जासूसी का आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी ने भी आज साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी तरीके की जासूसी नहीं की गई है। जितने भी दावे और आरोप लगाए गए हैं सभी निराधार हैं। वहीं आपको बता दें कि इजरायली स्पाईवेयर पेगासस पर जासूसी करने का आरोप लगा है। बता दें कि वॉशिंगटन पोस्ट और द गार्जियन ने दावा किया है कि 16 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की जांच की गई थी, जिसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि 40 पत्रकारों, 3 मुख्य विपक्षी नेता, 2 कैबिनेट मंत्री सहित एक जज का भी नाम सामने आया है, जिनकी सरकार जासूसी कर रही थी। लगातार ये आरोप लग रहे थे। वहीं आज साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आईटी मिनिस्टर ने सदन के पहले सत्र में आज ये साफ तौर पर कह दिया है कि ऐसा जो भी आरोप लगाया जा रहा है वो बिल्कुल निराधार है। ऐसी किसी भी प्रकार की जासूसी भारत सरकार के द्वारा नहीं की जा रही है। वहीं इस मामले पर तमाम कह सकते हैं कि चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त दो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले संदीप त्रिपाठी, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं सत्येंद्र सिंह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं राजनीतिक विश्लेषक सत्येंद्र सिंह से करना चाहती हूँ। सत्येंद्र जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां इजरायली स्पाईवेयर पेगासस पर जासूसी करने का आरोप लगा है, जहां साफ तौर पर कहा गया है कि कुछ चुनिंदा 40 पत्रकार ऐसे हैं जिनकी जासूसी की जा रही है, वहीं अब इसने राजनीतिक मोड़ ले लिया है। मैं आपसे संक्षेप में जानना चाहती हूँ कि आखिर ये पूरा मुद्दा क्या है। यह है कि जब भी आप इलेक्शंस का समय देखेंगे मोटा मोटा, और 2019 का भी अगर आप डिटेल्स निकाल के देखेंगे तो 2019 के इलेक्शन जब हो रहे थे उसी के आसपास में ये आपका कहीं ना कहीं ये मुद्दा उठा था कि फोन टैप किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जासूसी की जा रही है। अभी आपका 22 का इलेक्शन आने वाला है यूपी में, उसके पहले ही सारी चीजें शुरू होती है, तो ये कमोबेश आपको ये चीजें आगे पीछे दिखाई देंगी। लेकिन जो मुद्दा अभी फिलहाल यहाँ पे चल रहा है, जिसमें करीबन आप ये मानिए कि भारत करीब 300 लोगों की जासूसी की बात की जाती है, जिसमें 40 पत्रकार हैं, इसके अलावा नेता भी हैं, इसके अलावा लीगल कम्युनिटी भी है, व्यापारी भी है, सरकारी अफसर भी है, वैज्ञानिक भी है, एक्टिविस्ट भी है, दलित एक्टिविस्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और इसके अलावा कुछ मंत्रियों के ऊपर भी जासूसी की बात की गई है। तो अगर ऐसा कोई रिपोर्ट निकल के आता है जिसमें कि आपके पास मंत्री से लेके विपक्ष के नेता सभी लोग हैं, तो एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या सरकार अपने ही मंत्रियों की जासूसी करवाएगी, जबकि ये रिपोर्ट आपके न्यूज वेबसाइट द वायर के अंदर में निकली है। दूसरी बात ये भी है कि जब भी इस तरह की कोई जांच होती है उसके पूरी एक जांच अगर कही जाती है या टैपिंग की जाती है तो उसका एक पूरा प्रोटोकॉल है। उस प्रोटोकॉल के अगेंस्ट अगर सरकार जाती है और तो उसके बाद में आपके पास न्यायालय है जिसमें आप इसको बात कर सकते हैं। जैसे अभी राजस्थान का मुद्दा है जिसमें वहां पे गहलोत की जासूसी की बात की गई, तो उनका वाइस सैंपल भी मंगाया गया, तो अगर वहां पे है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि देश का सबसे बड़ा जो संस्थान है, संसद है, अगर वहां के पटल पे सरकार ऐसी कोई बात कहती है कि इस तरह की कोई भी घटनाक्रम नहीं की गई है उनके द्वारा, तो इसको भी कहीं ना कहीं मद्देनजर रखना चाहिए कि इसे मतलब प्लेटफॉर्म पर सरकार क्या सच बोलेगी या झूठ बोलेगी, ये अपने विवेक से समझने की आवश्यकता है। जी, तो वहीं हमारे साथ संदीप जुड़े हुए हैं जो कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रख रहे हैं। तो संदीप जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से आपने अभी राजनीतिक विश्लेषक को सुना है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी सत्ता पर अगर पार्टी आसीन है तो वह अपने ही मंत्रियों की जासूसी क्यों करवाएगी, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। पर आपकी पार्टी साफ तौर पर कह रही है कि नहीं, जासूसी हुई है जिसमें हमारे भी मंत्री शामिल हैं। तो ऐसे क्या प्रूफ है आपके पास जिनके आधार पर आप अभी भी इस बात पे अडिग है कि हाँ जासूसी हो रही है, जबकि आज आईटी मिनिस्टर ने साफ तौर पर कह दिया है कि सारे आरोप निराधार है।
देखिए, पहली बात तो ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे राजनीतिक विश्लेषक भी जानते हैं कि इनकी मात्र संस्था जो इनकी मात्र संस्था रही है, जासूसी का इनका बहुत पुराना इतिहास रहा है, तो ये कोई नई बात कोई नई बात नहीं है, ना इनके लिए कोई आश्चर्यजनक बात है। इनका जासूसी का इतिहास रहा है और उसको हाईटेक तरीके से आज कर रहे हैं, बस अंतर इतना है। अब आप कह रहे हैं कि क्या प्रूफ है, अगर प्रूफ नहीं है तो आप जो है टायर की रिपोर्ट है उसके ऊपर आप मुकदमा कर दीजिए। आप वो नहीं, आप अगर एक डाटा लीक हुआ है, उस डाटा लीक में ये बात निकल कर आ रही है, तो आप उसका स्पष्टीकरण दे दीजिए कि नहीं ये गलत है। आप जो भी इंटरनेशनल एजेंसी है जहां से डाटा लीक हुआ है उस पर भी आप कार्रवाई कर दीजिए। आप यहाँ पर अपने यहाँ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं संदीप तो जी, जो है जी संदीप जी, जिसका आप इस स्पष्टीकरण मांग रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि इजरायली कंपनी एनएसओ जो जिसने ये स्पाइवेयर बनाया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस ऐसी कोई भी जासूसी हमारे कह सकते हैं हमारी तरफ से नहीं की गई है। उन्होंने स्पष्टीकरण जारी किया है, बावजूद इसके कांग्रेस बिल्कुल आज 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं कर रही बता है। रहा हूँ, बिल्कुल पेगासस स्पाईवेयर जो है वो उसको सिर्फ सरकारें खरीद सकती हैं। और दिग्विजय सिंह जी ने 2019 में सरकार से एक सवाल पूछा था, आप वो क्लिप कृपया अगर आपके पास हो तो चला दीजिए, अन्यथा मैं आपको तुरंत व्हाट्सएप कर देता हूँ वो क्लिप जिसमें दिग्विजय सिंह ने सरकार से सवाल पूछा है। उन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि क्या आपने पेगासस वायरस खरीद इसपे वायरस जो है वायर जो है खरीदा है या नहीं खरीदा है। सरकार ने आज तक उसका उत्तर नहीं दिया। इसका क्या मतलब है? संसद में पूछा गया सवाल है, कोई सड़क पर भाषण में पूछा गया सवाल नहीं है। संसद में उन्होंने पूछा, उसके बाद उन्होंने चिट्ठी लिखी है उस समय के गृह मंत्री जी को, आज के जो मौजूदा गृह मंत्री है उनको, 2019 के बाद सरकार आने के बाद भी उन्होंने चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी का भी रिप्लाई नहीं आया। गृह मंत्री जी को उन्होंने चिट्ठी लिखी, उसका भी आंसर नहीं आया। जिस आईटी मिनिस्टर की बात कर रहे संदीप हैं जी उनको चिट्ठी लिखी गई, जी उसका भी जी जवाब नहीं आपकी आया। बात मैं समझ रही हूँ। आज आप आके नए नए मंत्री, सुन लीजिए, नए नए मंत्री साहब आके ये कह देते हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। अरे साहब, अगर ऐसा हुआ नहीं तो मंत्री जी हटाए क्यों गए, जरा ये बता दीजिए। इसलिए कि इनको पता था कि ये चीजें होने वाली है, इसलिए कि आप तो ऑलरेडी जो है सबके मोबाइल हैक कर रखे हैं, सबकी बातें सुन रहे हैं, तो आपको पता था कि ये रिपोर्ट लीक होने वाली है। आपको ये पता था कि कैग की रिपोर्ट में ये आने वाला है कि ये घोटाले हुए हैं, तभी आपने हटाया ना। बिना वजह तो आपने, आप अगर अभी पूछा जाए कि आपने क्यों हटाया रविशंकर प्रसाद जी को, क्यों आपने प्रकाश जावड़ेकर जी को हटाया, तो जाहिर सी बात है कुछ तो वजह रही होगी, उसका जवाब दे दें। भाजपा के मित्र अगर ऐसा कुछ नहीं था तो जाहिर सी बात है कि उनको इसीलिए हटा गया कि जवाबदेही खत्म हो जाए। अब नए नए मंत्री साहब आए हैं, उनको बेचारे को क्या पता, अभी तो खुद का अपना विभाग भी नहीं जान पाए होंगे, उनके जो सचिवालय के जो सचिव होंगे उनसे भी अभी पूर्ण रूप से संदीप परिचित नहीं जी, हो पाए होंगे, संदीप तो जी, लेकिन उनका दोष नहीं मैं अभी देता भी हूँ। ये जितने भी आरोप आप लगा रहे हैं वो अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं, बावजूद इसके आप सामने वाली पार्टी को कह सकते हैं कि जो सत्ता में इस वक्त है आप सीधा देशद्रोह का आरोप लगा देंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर सवाल पूछा गया है कि इस तरीके का मोदी जी द्वारा देशद्रोह क्यों किया जा रहा है, क्या ये देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आता? तो आपको नहीं लगता कि कुछ बहुत ही ज्यादा गंभीर बात बोल दी गई है प्रधानमंत्री के लिए, उन पर साफ तौर पर देशद्रोह का आरोप लगा दिया गया? देखिए, प्रधानमंत्री हैं, भगवान नहीं है पहली बार, और भगवान पर भी सवाल उठे हैं, उनको भी जवाब देना पड़ा है। इस देश में, इस देश की संस्कृति और इतिहास रहा है जवाबदेही, ये हिंदुस्तान के रग रग में बसती है, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। जब आप जवाब नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे। और रही बात आप जांच कराने की बात हो रही है, जांच करा लीजिए। देखिए, कई मुद्दों में बता रहा हूँ, राफेल में क्या हुआ, राफेल पर सवाल उठे, सरकार ने जांच कराई क्या? उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें क्लीन चिट दे दी। क्या आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दी? सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा कि कैग के आधार पर जो रिपोर्ट उनको मिली है उस आधार पर घोटाला नहीं साबित होता है। तो सरकार ने जो डॉक्यूमेंट दिए उस आधार पर कोर्ट ने कह दिया। कोर्ट कोई जो है जांच एजेंसी नहीं है, कोर्ट न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है जो सिर्फ सबूतों के आधार पर जजमेंट देता है, अपना वर्डिंग रखता है, टिप्पणी देता है। आप सबूत देने का काम जो है सरकारें करती हैं, आप जांच कराने से क्यों भागते हैं? आप जांच राफेल की नहीं कराएंगे, कोई भी आरोप लगेगा आप जांच नहीं कराएंगे, खुद में क्लीन चिट लेके घूमेंगे, तो जाहिर सी बात है सवाल उठेगा ना। और प्रधानमंत्री जी एक सांसद है, सांसद के बाद सांसदों के मुखिया है, सिर्फ इतनी सी बात है, और वो जवाबदेही के अंदर वो भी आते हैं। प्रधानमंत्री कोई भगवान नहीं है, उनके ऊपर सवाल रात और रात द्रोह का मुकदमा तो ये भाजपा लगाती है। जिस तरीके से अभी आप देखिए, आप
पत्रकारों के ही समझ लीजिए और समाज सेवियों के ऊपर, जैसे 16 लोगों के ऊपर भीमा कोरेगांव के मामले में लगा मुकदमा, जिनमें से एक बेचारे दुखद उनका निधन हुआ, आज तक उनकी चार्जशीट दाखिल हुई। 3 साल का मामला होगा 2018 का, जहां तक मुझे याद है 2018 का मामला है, राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ। क्या हुआ उसपे? तो राजद्रोह का मुकदमा तो सरकार दाखिल करती है। आप इसके पहले भी जासूसी का अमित शाह का मामला उठा था, पर भी आपने जांच नहीं कराई, जिसपे जबकि एक पत्रकार बंधु के पास उसकी ऑडियो क्लिप से लेकर सब कुछ था। जी सर, आप जांच तो कराए, जांच से क्यों भागते हैं? जी जी जी, मैं आपके पास आऊंगी। सत्येंद्र सिंह हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने अभी संदीप जी की बात को पूरा सुना, जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं सत्ता पक्ष पर, चुनाव आने वाले, जैसा कि आपने कहा कि चुनाव आने वाले हैं, ऐसी चीजें उठती रहती हैं। दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि जहां बीजेपी सरकार ने जिस निजता के हनन को लेकर कार्यवाही भी की है, बीते दिनों हमने देखा कि कई चीनी ऐप को इसी कारण बैन भी किया गया था, लगातार ट्विटर पर भी इसी तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, उस पर भी कार्यवाही की मांग की जा रही है, कार्यवाही करने की बात कही जा रही है, ऐसे में क्या लगता है आपको कि क्या सत्ता पक्ष के द्वारा इस तरीके का कार्य किया गया है या फिर ये सिर्फ राजनीति के का ही खेल है? देखिए, ये तो किया गया है या नहीं किया गया, ये तो जांच का विषय है। और जहां तक जैसे अभी त्रिपाठी जी ने कहा कि सरकार इस पर जवाब दे, तो सरकार ने अपना जो भी वक्तव्य है वो सदन के पटल पे भी रखा है, और अगर उन्होंने किया या नहीं किया वो एक अलग बात है, लेकिन कोई भी इसको एक्सेप्ट तो करेगा नहीं, और एक्सेप्ट करना या नहीं करना या इसको प्रूव करना वो कोर्ट के अंदर के मामला है। और ऑब्वियसली बीइंग ऑपोजिशन पार्टी, इनका पूरा हक है और ये कोर्ट में इस मुद्दे को लेके जा सकते हैं, जहाँ पे एक एजेंसी के द्वारा जांच होनी चाहिए या नहीं, जांच के लिए वहाँ का आदेश साबित किया जा सकता है। डिनाइल बोर्ड में है, तो सरकार जब इसको डिनाई करेगी तो उसके लिए आपके पास एक इंस्टीट्यूशन है, जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, हम सिर्फ एक कितना सब पूछ रहे हैं। हाँ, कोर्ट ही आदेश करेगा ना, अगर अगर मान लीजिए कि सरकार अगर इसको नहीं मान रही है, डिनाई कर रही है, तो कोर्ट में जाके आप इसके ऊपर जांच की बात कर सकते हैं। मैं एक चीज और यहाँ पे उद्धृत करना चाहूंगा कि इससे पहले भी इस तरह के मुद्दे आए थे, जिसमें व्हाट्सएप के जरिए जो पेगासस के इस्तेमाल की बात की गई थी, और वो रिपोर्ट भी तथ्यों पर आधारित नहीं साबित हो पाई थी, और सभी पार्टियों ने उसके दावों को खारिज किया था, यहाँ तक कि व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट में भी इन आरोपों से इनकार किया था। तो कमोबेश वैसी ही स्थिति आ रही है, और अगर ये कहा जाता है कि पूर्व में या इतने सालों का इतिहास रहा है कि फोन टैपिंग हो रही है, जासूसी हुई है, तो इससे पहले की सरकारों ने भी इसका मतलब किया होगा, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं इतिहास रहा हो, बट ये सारी चीजें जांच का विषय है, और इसके लिए हमारे पास पूरा इंस्टीट्यूशन है, पूरी प्रक्रियाएं हैं, उसका पूरा पूरा इनको यूज करना चाहिए। जी, तो सत्येंद्र जी, जिस तरीके से देखा गया है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, स्पाईवेयर पेगासस है, इसका इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियां ही करती हैं, जो सरकारें होती हैं वही इसका इस्तेमाल करती है, उन्हीं को इसका लाइसेंस जारी किया जाता है, तो सीधे तौर पर आरोप लग सकते हैं। ले वहीं दूसरी तरफ अगर आईटी मिनिस्टर के आज के बयान की बात करें, तो उन्होंने साफ तौर पर सदन में ये बात कही है कि इसका कोई बेसिस ही नहीं है, तो क्या सच में ये सर्विलांस का एक आधार नहीं हो सकता? देखिए, जो ये आप इंटरसेप्शंस की बात कर रहे हैं, ये केवल पॉलिटिकल लोगों का ही हुआ, ऐसा नहीं है। आप ये वायर की रिपोर्ट पढ़ें तो इसमें पॉलिटिशियंस के अलावा साइंटिस्ट भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, मिनिस्टर्स भी हैं, ओपोजिशन लीडर्स भी हैं, व्यापारी भी हैं, बहुत सारे तरह के कैडर के लोग इसके अंदर में शामिल हैं। तो आरोप केवल एक ही पर अगर लगे कि केवल राजनीतिक या अपोजिशन पार्टीज की ही केवल जासूसी की गई है, तो वो आरोप इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है। अब ये हुआ या नहीं हुआ, ये एक जांच का विषय जरूर हो जाता है, तो उसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जी, तो जिस तरीके से संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो संदीप, जिस तरीके से आज आपकी पार्टी ने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें लगातार 6 से 7 सवाल दागे गए हैं प्रधानमंत्री मोदी से, सीधे तौर पर जवाब मांगा गया है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से आज सदन से साफ तौर पर कह दिया गया है कि ये सारे आरोप निराधार है। वहीं शाम को आई खबर के बाद पता चलता है कि आपके नेता राहुल गांधी पर भी का भी इस लिस्ट में नाम शामिल है, जिनका फोन टैप किया जा रहा था। तो अब कांग्रेस की तरफ से आगे की क्या रणनीति रहने वाली है, किस तरीके से इस मुद्दे को और ज्यादा उठाया जाएगा, और कार्यवाही की मांग जिसकी आप कर रहे हैं, तो कार्यवाही की मांग के लिए क्या, जिस तरीके से आपने कहा कि पिछली बार दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया था, उसका जवाब उन्हें नहीं मिल पाया था, तो क्या इस बार भी इसी तरीके से ये मुद्दा ठंडा हो जाएगा, या आगे भी इस मुद्दे को लेकर हम कांग्रेस का कोई सख्त रुख देखने को मिल सकता है हमको? देखिए, आप भी जानती हैं, उसके बाद कोरोना काल आ गया, 18 महीने से किस तरीके से स्थितियों से देश गुजरा है, वो आपसे भी नहीं छुपा है, हमसे भी नहीं छुपा है। तो ये कह देना कि ठंडे बस्ते में चला गया, तो जाहिर सी बात है सदन चला नहीं, तो इस बात को उठाया नहीं जा सका, या जो चला भी तो एक थोड़े टर्म के लिए चला, बात खत्म हो गई, वो मुद्दा उठाने का समय ही नहीं मिला लोगों को या पार्टियों को, विपक्षियों को, या जो भी और
हमारे राज्यसभा में बहुत से 12 लोग ऐसे होते हैं जो सामाजिक क्षेत्र के होते हैं या जो है अन्य क्षेत्र के होते हैं, वो भी मुद्दा उठा सकते थे, उठाते। इसलिए ये देश का मामला है, उसमें सभी लोगों की जासूसी हुई है। जैसे अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदय जी ने कहा कि जो है इसमें विपक्ष के भी नेता है और इसमें पक्ष के भी अपने मंत्रियों का भी उन्होंने जासूसी कराई है। और सबसे बड़ी एक बेसिक सवाल जो है सरकार से पूछा गया, उसका उत्तर तो अभी तक आया ही नहीं। आप डिनाई तो बिल्कुल, जैसे अभी उन्होंने कहा कि बिल्कुल डिनाई करेंगे, वो डिनाई आप करेंगे वो सब जान रहे हैं, हर कोई को पता है कि आप डिनाई करेंगे, लेकिन आप इस चीज का तो जवाब दे दीजिए कि इस स्पाईवेयर को आपने खरीदा है या नहीं खरीदा है। इसी से पता चल जाएगा कि हुआ है कि नहीं हुआ। पहले आप इस बात को, तो आप इस बात को डिनाई नहीं करते कि हमने नहीं खरीदा है, इस बात को आप डिनाई कर दीजिए कि हमने नहीं खरीदा है, बाकी खत्म हो जाएगी। इसलिए कि उस जो है स्पाईवेयर का इस्तेमाल सिर्फ जो है सरकारें कर सकती है। इसराइल की उस नीति में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसको सिर्फ जो है बेचा जाएगा इस स्पाईवेयर को सरकारों को, और ये 10 सरकारें ऑलरेडी यूज कर रही हैं और वहां पर भी यही कमोबेश यही स्थिति है। तो ये चीजें होती रही हैं। और इसराइल की जासूसी तकनीक आप भी जानते हैं, उसका जो भी सॉफ्टवेयर से लेकर जासूसी का जो सिस्टम है बहुत ही हाईटेक है, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप जिस एक प्रॉपर्टी को चालू कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को आज आपको भी देखना पड़ेगा। आप भूल जाते हैं इस बात, आप सब आज ये मान के चल रहे हैं कि बस आप आ गए हैं तो बस आप बैठ लिए हैं, कब्जा कर लेंगे, जो है आप हिटलर बन जाएंगे। अरे हिटलर का भी महोदय अंत हुआ है। आपको समझना होगा कि इस देश में लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में आज आप हैं कल कोई और आएगा, लेकिन आप एक परिपाटी चालू करके जाते हैं। तो जैसे अभी एक उदाहरण मैं दे दूं, उत्तर प्रदेश में हिंसा हुई, चुनावी हिंसा हुई, आज सपा क्यों जो है उसको डिफेंडिंग मोड में रहना पड़ा? आज जो है सपा के कार्यकर्ता से प्रियंका गांधी जी को मिलने क्यों जाना पड़ा? अखिलेश जी हिम्मत क्यों नहीं कर पाए? इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपने ही उसके पहले के चुनाव में आपने भी वही चीज किया था। तो जाहिर की बात है आपने किया तो आप उस हिम्मत से नहीं जा पाएंगे, इसलिए कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। तो आप जिस पर पार्टी को चालू करके जाएंगे, कल को आने वाले समय में आप सवाल उठाएंगे तो आप सवाल उठाने लायक नहीं रह जाएंगे। आप उस गलत पर पार्टी चालू कर रहे हैं। और आप जैसे बहुत सी चीजें हैं, आप ईवीएम पर सवाल उठाते थे, आज जो है आप आते हैं, अगर कोई उसी सवाल को आपके ही सवाल को आगे बढ़ा रहा है, आप कहते हैं नहीं, ये चीजें नहीं हो पाएंगी, आपको जवाब दे भरना पड़ेगा। हर चीज में आप ही चोर हैं, आप ही शाह बन जाएंगे, आप ही जज बन जाएंगे, आप ही पुलिस बन जाएंगे, ये चीज नहीं हो पाएगी ना। आप हर चीज में क्लीन चिट ले लेते हैं। अब आप सदन में बयान दे दिया जैसे लग रहा है कि पूरा शपथ पत्र जारी हो गया। अरे ऐसा कुछ है तो शपथ पत्र ला दीजिए भाई, व्हाइट पेपर ला दीजिए सदन में, व्हाइट पेपर ला कर रख दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन वो आपको करना नहीं है, आपने एक बयान दे दिया सदन में। और सदन के बयान का महत्व क्या होता है, एक चीज और समझ लीजिए, अगर बाई दिवे गलत बयानी कोई हो गई सदन में, उस पे कोर्ट में मुकदमा नहीं हो सकता। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ महाराज, राजनीतिक विशेषज्ञ महोदय, गलत तो नहीं कह रहा हूँ, बात सही है। तो जाहिर सी बात है आप वहां झूठ बोल रहे हैं कि छूट रहती है, बहुत होगा तो सदन की अवमानना का नोटिस जारी होगा, वहां माफी मांग लेंगे हमारे आईटी मंत्री महोदय, इतना होता है। और बहुत सत्ता है, विपक्ष का नेता होता तो मान लीजिए सदन से एक साल की ये हो जाता कि सदन में आप नहीं बैठेंगे, दो साल नहीं बैठेंगे, इतना होता है। तो ये आप सिर्फ आके बोल देना, ये जवाबदेही आपकी नहीं खत्म हो जाती। आप अगर सचमुच लोकतंत्र में जवाबदेह होना चाहते हैं तो आप जांच कराइए, जांच एजेंसियां बताएंगे कि आप जो है पाक साफ है या दोषी है। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, कोयला घोटाला हो, संदीप त्रिपाठी जी, टूजी स्पेक्ट्रम हो, इन सब में जांच हुई है। एक मिनट, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है बीच में, मेरे पास समय की कमी है। मैं रुक करना चाहूंगी सत्येंद्र जी का। सत्येंद्र जी, जिस तरीके से आप पूरी तरह से इस आपने बात सुना कि कांग्रेस नेता का क्या कुछ कहना है, वही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये पूरी जासूसी का मामला सामने आया है, लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं जहाँ पे ठगी भी हो रही है, आम आदमी की बात करें तो ठगी हो रही है, ऐसे में क्या हमारे साइबर एक्सपर्ट्स जो हमारे साइबर सेल में बैठे हुए लोग हैं, क्या उन पर दबाव नहीं बन रहा है? सीधे तौर पर अगर सरकार पर ये आरोप लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं साइबर सेल पर भी आरोप लग रहा है कि वो भी सरकार के अधीन होकर काम कर रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि क्या राजनीतिकरण जिस तरीके से किया जा रहा है उसमें साइबर सेल को भी बीच में लाना किस हद तक जायज है? देखिए, पहली बात तो जैसे कि जो पेगासस की हम बात कर रहे हैं, ये पूरे दुनिया में सबसे बड़ी अग्रणी संस्थाओं में से मानी जाती है जो कि इस तरह की स्पाइंग कराती है, और इसके लिए इंटरसेप्शन के लिए ये सरकारी जो सरकारें होती हैं उनको अपना ये चीज प्रोवाइड करती हैं।
और सरकार उसको अपने जो किसी बड़ी वजह से या राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर लोगों की जासूसी करवा सकती है, लेकिन उसका अपना एक प्रोटोकॉल होता है। तो अगर ये वही वाली बात होगी कि आपके पास अपना एक गन का लाइसेंस है, लेकिन गन का लाइसेंस है और गन का प्रयोग किया गया कि नहीं किया गया, ये दूसरा विषय है। तो जो पहले त्रिपाठी जी ने कहा कि हाँ ये सरकारें करा सकती है, सरकार ही करा सकती है, सरकार के पास इसके अप्रूवल्स होते हैं, वही एक एजेंसी है जो कि टैपिंग के लिए अधिकृत होती है। तो प्रश्न यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या वास्तव में इसके लिए ये सरकार ने इसका कोई यूज मिसयूज किया है क्या, या पत्रकारों से लेके तमाम विपक्षी दलों का या अन्य लोगों को जासूसी कराई, ये वायर में रिपोर्ट छपी है और ये सच है या झूठ है ये जांच का विषय है। अब जांच कैसे होगी, जब ये मामला कहीं कोर्ट में जाएगा वहां पर इसके बारे में बात होगी, वहां से इसको निर्देशित किया जाएगा, तो वहां से एजेंसी जो है उसकी निष्पक्ष जांच के लिए आगे बढ़ेंगी। अब उसमें सच क्या है झूठ क्या है वो वहीं पे सामने सामने हाजिर होगा, पेश होगा और उसी के हिसाब से फिर आगे की रणनीतियां विपक्षी दल या सरकार अपनी तैयार करती है। तो मोटा मोटा लघु लुभाव यही है कि जासूसी हुई या नहीं ये एक जांच का विषय है और इसके लिए निष्पक्ष एजेंसियां ही है, और क्योंकि सरकार इसके डिनायल मोड में है तो कोई ना कोई आपके पास इंस्टीट्यूशन है उसके थ्रू ही आप इसके बाद कर सकते हैं। अभी आप राजस्थान में देखिए, आप महाराष्ट्र में देखिए, वहां पे भी जांच ये जासूसी के ऊपर आक्षेप लगे हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने बीजेपी के ऊपर ये आक्षेप लगाया है कि उन्होंने इस तरह की जासूसी कराई है और उसके ऊपर एक जांच बैठाया भी की गई है और डीजीपी उधर के हैं और इधर आपके कोर्ट में भी राजस्थान का मुद्दा गया हुआ है। ऐसे ही मेरे ख्याल से ये लोग भी हो सकता है संभवतः आगे कोर्ट में जाए और इसके ऊपर एक जांच के लिए डिमांड करें। चलिए माफ कीजिएगा, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, मेरे पास समय की कमी है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने का। तो इस वक्त हमारे साथ संदीप त्रिपाठी कांग्रेस नेता जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक सत्येंद्र सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो इस वक्त इसराइली स्पाईवेयर पेगासस का मुद्दा राजनीति में बेहद अहम माना जा रहा है। लगातार बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोपों की छींटाकशी कसी जा रही है, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी पे कि वो कुछ लोगों के जासूसी कर रही है, उनके फोनों को टैप किया जा रहा है। वहीं बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर बयान आया है, आईटी मिनिस्टर ने आज सदन में बयान दिया है कि ये सारे आरोप जो है निराधार है। वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री पर भी गंभीर सवाल दागे गए हैं। आगे आने वाले वक्त में देखना यह अहम होगा कि इस पूरे मामले में सच्चाई क्या कुछ निकल कर सामने आती है। फिलहाल हमारे इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।